विधानसभा के 5 मंडलों के अध्यक्ष व महामंत्री मंडलों के प्रभारी, मोर्चा के अध्यक्ष, महानगर के नगर विधानसभा में निवास करने वाले पदाधिकारी की बैठक बेनीगंज स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इस चुनाव से जिस प्रकार का उत्साह है, लोग स्वयं आकर संपर्क कर रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है, घर घर संपर्क, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए नगर विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में छोटी छोटी टोली बनाकर डोर टू डोर संपर्क कर केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताना है। लोगों में उत्साह का माहौल है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाकर रिकॉर्ड बनाना है। उन्होंने बताया कि योगी के नेतृत्व में 2017 में सरकार चली है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी, चौराहे चौराहे पर गुंडागर्दी होती थी, जबरन जमीनों पर कब्जे होते थे, अपराधियों का बोलबाला था, अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करती थी। बैठक में प्रमुख रूप से नगर विधानसभा प्रभारी विवेकानंद वर्मा, महानगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय, बड़े प्रभारी गोरक्षनगर राजू, अष्टभुजा श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, शिशिर, विनय, नितिन जायसवाल सहित प्रमुख लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, महामंत्री कौन है? आनंद ग्रहणी मंडल अध्यक्ष। कितने वार्ड है? हमारे 8 वार्ड है, 11 केंद्र। कितने? मालवी नगर, एक कोई महानगर से तुरंत सा प्रभारी बनाए, कोई पदाधिकारी तुरंत बनाए, चेक करने की जरूरत नहीं, सा प्रभारी तुरंत बनाए, आज ही बनाइए तुरंत। कितने वार्ड हैं? वार्ड हमारे 9। 9 वार्ड? जी। शक्ति केंद्र? शक्ति केंद्र है इस समय 13। पहले जो चमके महानगर में जो मोर्चों के अध्यक्ष, महानगर के विशेषकर जो नगर विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नगर विधानसभा में कुल 5 मंडलों में हमने विभाजित किया है, तो उस 5 मंडलों के हमारे अध्यक्ष, महामंत्री और हमारे मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, ऐसे गोरखपुर महानगर के जो पदाधिकारी गोरख नगर विधानसभा में निवास करते हैं, मंडल के प्रभारी या ऐसे सीनियर लोगों की ये बैठक हो रही है। अभी हम लोगों ने जब से योगी जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तब से लगातार गोरखपुर नगर विधानसभा के की बैठकें चल रही हैं। कल हम लोगों ने विशेषकर IT, सोशल मीडिया और मीडिया प्रभारियों की बैठक की थी। तो इसी दृष्टि से कि चुनाव की दृष्टि से हम गोरखपुर नगर विधानसभा में कुल जो 48 वार्ड नगर निगम के आते हैं, उन सभी 48 वार्डों में एक समिति का गठन करके भारतीय जनता पार्टी मोर्चे प्रकोष्ठों को, सब सामाजिक संगठनों को, आम नागरिकों को मिला करके हम 48 वार्डों में एक संपर्क की टोली बनाने जा रहे हैं, जो घर घर संपर्क करके मोदी जी और योगी जी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के नीचे तक जाएगी। ये चुनाव जिस प्रकार का उत्साह है, लोगों के जिस प्रकार के सुझाव आ रहे हैं और लोग स्वयं आकर के संपर्क कर रहे हैं, लोग आम नागरिक जो जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो लोग भी आकर के संपर्क कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस चुनाव को आम जनता लड़ने वाली है, और इसलिए हम लोग भी उसी प्रकार की रणनीति बना रहे हैं ताकि घर घर संपर्क, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए एक हर वार्ड सब मजबूत टोली बना करके नीचे तक ले जाया जा सके। देखिए, जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में 2017 से सरकार चली है, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी, चौराहे चौराहे पर गुंडागर्दी होती थी, जबरन जमीनों पर कब्जे होते थे, अपराधियों का बोलबाला था, अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करती थी। 2017 के बाद योगी जी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में
गुंडा और अपराधियों की नकेल कसी गई है, कानून का राज स्थापित हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े गुंडे और माफियाओं के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला करके उनकी अवैध जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। और विकास का एक मॉडल, एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। गोरखपुर की बात अगर करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन गोरखपुर को एक विकसित महानगर बनाने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए यहाँ के नागरिकों में विशेष उत्साह है, वो चाहते हैं कि हर नागरिक चाहता है कि हम अपना योगदान आकर के दें, और इसलिए यहाँ का चुनाव, आम जनता यहाँ का चुनाव लड़ने वाली है। योगी जी को यहाँ की आम जनता कहने वाली है कि आप पर्चा दाखिल करके जाइए, यहाँ का चुनाव यहाँ की आम जनता लड़ेगी।